तो दोस्तों फाइनली अवतार द लास्ट एयरबेंडर नाम की ये जो सीरीज़ है हमें एक तरह से देखने को मिल चुकी है नेटफ्लिक्स पर तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से सीरीज़ के बारे में आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन वाले देने वाले हैं प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग से रिलेटेड सारी कुछ जानकारी आपको देगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन कर इसे इस एक तो एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर फैंटेसी टेलीविजन श्रृंखला है यह इसी नाम की एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला 2005-2008 का लाइव एक्शन रूपांतरण है पहली बार सितंबर 2018 में घोषणा की गई एल्बर्ट किम श्रोता है जिसमें गॉर्डन कॉर्मियर कियावेंटियो इयान ओस्ले डलास लियू पॉल सन ह्यूंगली केन लेंग और डेनियल डे दे किम शामिल हैं आठ एपिसोड वाला पहला सीजन 22 फरवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था दो तीन श्रृंखला को आलोचकों से मिलीजुली से लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली परिसर श्रृंखला विभिन्न एशियाई और स्वदेशी संस्कृतियों से प्रेरित एक युद्धग्रस्त दुनिया पर आधारित है जहां कुछ लोग चार शास्त्रीय तत्वों जल पृथ्वी अग्नि या वायु में से एक को झुका सकते हैं आंग अवतार और अंतिम जीवित एयरबैंडर नश्वर और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पुल है और केवल एक के बजाय सभी चार तत्वों को मोड़ने में सक्षम है अवतार शांति लाने के लिए दुनिया और प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है और आंग को अब दुनिया को जीतने के लिए सैन्यवादी फायर नेशन की महत्वाकांक्षाओं को समाप्त करने की जिम्मेदारी का सामना करना पड़ रहा है अपने नए साथियों कटारा और सोका के साथ आंग चार तत्वों पर महारत हासिल करने के लिए निकलता है जबकि फायर नेशन के निर्वासित राजकुमार जुको उसका पीछा करता है जो उसे पकड़कर अपना सम्मान वापस पाने की कोशिश करता है चार कलाकार और पात्र मुख्य अवतार आंग के रूप में गॉर्डन कॉर्मियार एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण बारह वर्षीय एयेंडर जो सौ वर्षों से बर्फ में जमा हुआ था जब वो जागता है तो अन्य सभी एयरबेंडर्स को फायर नेशन द्वारा मिटा दिया जाता है और वह युद्ध को समाप्त करने और अवतार के रूप में दुनिया के लिए संतुलन और सद्भाव का प्रतीक बनने की खोज में निकल पड़ता है पांच कटारा के रूप में कियावेंटियो एक चौदह वर्षीय लड़की जो अपनी मां को फायर नेशन द्वारा मार दिए जाने के बाद अपने कबीले की आखिरी वॉटरबेंडर है अपनी व्यक्तिगत त्रासदी के बावजूद वह अपनी वास्तविक क्षमता की ओर बढ़ते हुए आंग के साथ उसकी यात्रा में शामिल हो जाती है पांच सोका के रूप में इयान ओसले कटारा का सोलह वर्षीय भाई जिसने अपने पिता के युद्ध में लड़ने के लिए चले जाने के बाद अपने जनजाति का अर्ध नेता बनने की कोशिश की है वो कटारा के साथ अपने मिशन पर आंग में शामिल हो जाता है और अपनी बुद्धिमत्ता संसाधनशीलता और भरोसेमंद बूमरैंग के साथ झुकने की क्षमता की कमी को पूरा करता है पांच प्रिंस जुको के रूप में डलास लियू फायर नेशन का डरा हुआ निर्वासित और गुस्सेल सत्रह वर्षीय राजकुमार अपने निर्वासन को समाप्त करने और अपना सम्मान वापस पाने के लिए अवतार पर कब्जा करने पर आमादा था पांच अंकल इरो के रूप में पॉल सन ह्यूंगली एक सेवानिवृत्त फायर नेशन जनरल फायर लॉर्ड ओजाई के बड़े भाई और बुद्धिमान और पोषण करने वाले चाचा और जुको के गुरु कमांडर झाओ के रूप में केन ले एक महत्वाकांक्षी फिर भी घमंडी क्रूर और बेईमान फायर नेशन नौसेना अधिकारी और अवतार की खोज में जुको का कड़वा मुख्य प्रतिद्वंद्वी फायर लॉर्ड ओजाई के रूप में डेनियल डे दे किम फायर नेशन का अत्याचारी और परपीड़क शासक इरोह का छोटा भाई और जुको और अजुला के पिता सात किम ने अवतार फ्रेंचाइजी के लिए कई बार अपनी आवाज दी है पहली बार द लास्ट एयरबेंडर की पुस्तक दो में जहां उन्होंने जनरल फोम को आवाज दी थी आठ और द लीजेंड ऑफ कोरा में जहां उन्होंने हिरोशी सातो को आवाज दी थी नौ किम को ओजाई के रूप में स्वादिष्ट खलनायक जिसमें वह अपने दांत गड़ा सकता है कि भूमिका निभाने की संभावना से आकर्षित महसूस हुआ यह उन चीजों में से एक थी से वह करने के लिए उत्सुक था और उसे स्टार वॉस के दांत वार्डर की याद दिलाती थी दस आवर्ती ज्ञातसो के रूप में लिम के सीयू एक शरारती चापलूस दयालु और देखभाल करने वाला एयर घुमंतु साधु जो आंग का गुरु और पिता तुल्य है छ ग्रैंड ग्रैंड के रूप में केसी कैंप होरिनेक, दक्षिणी जल जनजाति की कुलमाता हाकोडा की माँ और सोका और कटारा की दादी ग्यारह मैथ्यू यांग किंग ने अप्पा एक स्काई बाइसन जो आंग का साथी है और मोमो एक पंख वाला लेमोर जो आंग से दोस्ती करता है और उसकी यात्रा में उसके साथ शामिल होता है कि स्वरों में अभिनय किया है रू स्कंदर लेफ्टिनेंट जी के रूप में जुको के जहाज पर एक फायर नेशन अधिकारी बारह लेफ्टिनेंट डांग के रूप में रयान्मा फायर नेशन नेवी में झाओ के प्रति वफादार एक अधिकारी तेरह राजा भूमि के रूप में उत्कर्ष अम्बुदकर ओमाशु के बुजुर्ग राजा जो आंग के सबसे पुराने दोस्त हैं चौदह राजकुमारी अजुला के रूप में एलिजाबेथ यू फायर नेशन की चालाक और विलक्षण रूप से प्रतिभाशाली राजकुमारी और जुको की छोटी बहन ग्यारह शोरनर एल्बर्ट किम ने शो के प्रीमियर से पहले कहा कि अजुला को मूल कार्टून के पहले सीजन की तुलना में नए शो के पहले सीजन में बहुत अधिक दिखाया गया है अजुला बाद में मूल शो के दूसरे और तीसरे में क्या करती है इसकी जानकारी को श्रेय देते हैं लेखकों के लिए सीजन का लाभ यह है कि उसे कहां ले जाना है पन्द्रह थालिया ट्रॉन के रूप में अजुला का कट्टर दोस्त जो चाकू फेंकने में कुशल है सोलह टाइली के रूप में मोमना तमाडा अजुला का कलाबाज दोस्त जो ची ब्लॉकिंग में कुशल है सत्रह अठारह अतिथि लॉर्ड सोजिन के रूप में हिरो कनागावा फायर लॉर्ड जिन्होंने सौ साल का युद्ध शुरू किया और जुको के परदादा उन्नीस डेविड सकुराई एक अर्थबेंडर के रूप में जो एयर टेम्पल्स पर हमला करने की सोजिन की योजना का पता लगाता है बीस अवतार क्योशी के रूप में यवोन चैपमैन आंग के पिछले अवतार अवतार रोकू से पहले का प्रसिद्ध अर्थबैंडर अवतार ग्यारह सुकी के रूप में मारिया झांग क्योशी द्वीप की विशिष्ट महिला सैनिकों क्योशी योद्धाओं की नेता ग्यारह युकारी के रूप में टैमलिन टोमिता सुकी की मां और क्योशी द्वीप पर उसके छोटे से गांव की बेहद सुरक्षात्मक मेयर ग्यारह टैन के रूप में ओसरिक चाओ फायर नेशन विद्रोहियों के एक समूह का नेता जो ओजाई की हत्या की योजना बना रहा है डेनी पुडिसाई द मैकेनिस्ट के रूप में पृथ्वी साम्राज्य से एक एकल पिता और आविष्कारक 21. टेओ के रूप में लूसीन रिवर चौहान मैकेनिक का व्हीलचेयर का उपयोग करने वाला बेटा 22. जेट के रूप में सेबिस्टियन अमोरुसो स्वतंत्रता सेनानियों के नेता क्रांतिकारियों का एक समूह जो फायर नेशन के खिलाफ लड़ते हैं तेईस ड्यूक के रूप में टेलर लैमराइट स्वतंत्रता सेनानियों का एक सदस्य और जेट का मित्र 24 पिप्सक्विक के रूप में विंसेंट हुआंग स्वतंत्रता सेनानियों का एक शारीरिक रूप से प्रभावशाली सदस्य स्मेलरबी के रूप में वेस वलाराव स्वतंत्रता सेनानियों की एक महिला सदस्य जिसे उसके रूप रंग के कारण अक्सर लड़का समझ लिया जाता है पच्चीस शॉट के रूप में नथानियल कोंग एक मूक तीरंदाज और स्वतंत्रता सेनानियों का सदस्य छब्बीस गोभी व्यापारी के रूप में जेम्स सी एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यापारी जिसकी उपज लगातार नष्ट हो जाती है सी ने एनिमेटेड श्रृंखला से अपनी भूमिका को दोहराया सत्ताईस को द फेस टीलर के रूप में जॉर्ज टेकी एक सेंटीपीड जैसी आत्मा जो अपने पीड़ितों के चुराए हुए चेहरों का उपयोग करती है टेकी ने द लास्ट एबेंडर की पुस्तक वन में फायर नेशन जेल कैंप के वार्डन की भी आवाज़ उठाई अट्ठाइस वांशी टोंग के रूप में डुक किम एक उल्लू आत्मा और ज्ञान संग्रहकर्ता जो मनुष्यों के प्रति बहुत अविश्वासी है उनतीस जून के रूप में ओडेंचो एक इनामी शिकारी जिसे जुको ने अवतार खोजने के लिए काम पर रखा है तीस इकतीस शुफेन के रूप में एशली एक पृथ्वी साम्राज्य गांव का मुखिया जिसे एक जंगल की आत्मा द्वारा आतंकित किया जा रहा है सियारामडेल लियान के रूप में शुफेन की बेटी बीस क्या के रूप में रेनबो डिकसन सोका और कटारा की माँ बत्तीस हकोडा के रूप में जोएल मोन्टग्रेंड सोका और कटारा के पिता और दक्षिणी जल जनजाति के सरदार जो युद्ध में लड़ने के लिए चले गए 33 बातों के रूप में ट्रेवर कैरोल हाकोडा का दोस्त और एक दक्षिणी जल जनजाति योद्धा अवतार रोकू के रूप में सीएस ली बैंडर अवतार जो आंख से पहले आता है और उसे आध्यात्मिक दुनिया के साथ संवाद करने में सलाह देता है चौंतीस महान ऋषि के रूप में इस चाओ अवतार रोकू को समर्पित अग्नि मंदिर में अग्नि संतों के नेता पैंतीस शू के रूप में जेम्स राहा एक अग्नि ऋषि जो आग मंदिर के माध्यम से आग का मार्गदर्शन करता है एम्बर मिथंडर राजकुमारी यूके के रूप में उत्तरी जल जनजाति की राजकुमारी छत्तीस पक्कू के रूप में ए मार्टिनेज उत्तरी जल जनजाति का एक जल झुकने वाला मास्टर जो आंग और कटारा के शिक्षक के रूप में कार्य करता है सैतीस अनुक के रूप में नथानियल आर्कैंड उत्तरी जल जनजाति के प्रमुख और यूके पिता अड़तीस यागोडा के रूप में आयरीन बैड एक उत्तरी जल जनजाति उपचारक उनतालीस हैन के रूप में जोएल ओलेट उत्तरी जल जनजाति का एक सैनिक जिसकी पूर्व में राजकुमारी यू से मंगनी हुई थी चालीस इकतालीस अवतार कुरुक के रूप में मीगवुन फेयरब्रदर अवतार क्योशी से पहले का वॉटरबंडर अवतार बयालीस इसके अतिरिक्त जस्टिन वोंग एमिली कोएन शास्टिना कुमार जॉन रे डायबुको और विल्सन क्वॉक खानाबदोश कलाकारों के एक समूह को चित्रित करते हैं तैतालीस एपिसोड्स नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज दिनांक एक आंग माइकल गोई टेलीप्ले द्वारा एल्बर्ट किम और माइकल डांटे डिमार्टिनो और ब्राइन कोनिट्स को 22 फरवरी 2024। दो, दो योद्धा की माइकल गोई जोशुआ हेल को बाईस फरवरी दो तीन ओमाशु जब्बार रायसानी क्रिस्टीन बॉयलान बाईस फरवरी दो चार अंधेरे में जब्बार रायसानी कीली मैकडोनल्ड बाईस फरवरी 2024। पांच अपहरण किया रोजिन लियांग गैब्रियल ललनास 22 फरवरी 2024। छह मास्क रोजिन लियांग कहानी द्वारा उबाह मोहम्मद और ब्रान कोनिट्सको और माइकल डांटे डिमाटिनो टेलीप्ले द्वारा एमिली किम और हंटर रीस और ब्रान कोनिट्सको 22 फरवरी 2024 हजार चौबीस सात उत्तर जैट विल्किंसन ऑड्रे वॉन्ग कैनेडी बाईस फरवरी दो हजार चौबीस आठ दंतकथाएं जैट विल्किसन एलबर्ट किम बाईस फरवरी दो हजार चौबीस उत्पादन विकास 2018 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि अवतार का एक पुनर्कल्पित लाइव एक्शन रीमेक 2019 में उत्पादन शुरू करना था 44 44-45 श्रृंखला के मूल निर्माता माइकल डांटे डिमाटिनो और ब्रान कोनेट्सको को शुरू में कार्यकारी निर्माता घोषित किया गया था और श्रोता छियालीस सैंतालीस जून दो में रचनाकारों ने रचनात्मक मतभेदों के कारण श्रृंखला छोड़ दी इसका खुलासा तब हुआ जब डिमार्टिनो ने 12 अगस्त 2020 को अपनी वेबसाइट पर एक खुला पत्र प्रकाशित किया इस जोड़ी ने नेटफ्लिक्स के दृष्टिकोण की तुलना में शो के प्रति अपने दृष्ट कोण में अंतर का हवाला दिया साथ ही स्टूडियो के साथ अपने समय के दौरान नकारात्मक और असमर्थित माहौल का भी हवाला दिया चार आठ चार नौ पांच शून्य पांच एक इस जोड़ी को अंततः पहले और छठे एपिसोड के लिए लेखन क्रेडिट प्राप्त हुआ बावन अगस्त 2021 में एल्बर्ट किम को आधिकारिक तौर पर एक लेखक कार्यकारी निर्माता और श्रोता के रूप में घोषित किया गया था उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट में टिप्पणी की मेरा पहला विचार था क्यों मैं उस कहानी के साथ क्या कर सकता हूं या कह सकता हूं जो मूल में नहीं की गई या कहीं नहीं गई लेकिन जितना अधिक मैंने इसके बारे में सोचा मैं उतना ही अधिक उत्सुक होता गया हम वास्तविक और आंतरिक तरीके से झुकने में सक्षम होंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखा तिरपन उसी पोस्ट में किम ने इस बात पर जोर दिया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमारा उपनाम प्रामाणिकता रहा है कहानी के लिए पात्रों के लिए सांस्कृतिक प्रभावों के लिए प्रामाणिकता ही हमें कैमरे के सामने आगे बढ़ने में मदद करती है और इसके पीछे डैन लिन लिनसे लिब्रेटोरे, माइकल गोई और रोजिन लियांग को भी कार्यकारी निर्माता के रूप में घोषित किया गया था और गोई और लियांग दोनों श्रृंखला के एपिसोड का निर्देशन कर रहे थे चौवन तिरपन पहले सीजन में प्रत्येक एपिसोड को बनाने में कथित तौर पर 15 मिलियन डॉलर से अधिक की लागत आई थी पचपन कास्टिंग अपने प्रस्थान से पहले डिमाटिनो और कोनेट्सको ने खुलासा किया था कि वे कोनेट्सको के एक बयान के अनुसार सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त गैर सफ़ेदी वाली कास्टिंग के लिए प्रतिबद्ध हैं छप्पन कोनिट्सको ने कहा था कि वो जुको की भूमिका निभाने वाले मूल आवाज़ अभिनेता दांते बास्को को शामिल करने की उम्मीद कर रहे थे सत्तावन अगस्त 2021 में लीक हुई कास्टिंग रिपोर्टों के बाद नेटफ्लिक्स ने मुख्य चार पात्रों के लिए शो के कलाकारों का खुलासा किया गॉर्डन कॉर्मियर कियावेंटियो, इयान ओस्ले और डलास लियू क्रमश आंग कटार सोका और जुको के रूप में तिरपन किम ने महसूस किया कि यह एशियाई और स्वदेशी पात्रों को जीवित सांस लेते हुए लोगों के रूप में प्रदर्शित करने का एक मौका था न केवल एक कार्टून में बल्कि एक ऐसी दुनिया में जो वास्तव में अस्तित्व में है बिल्कुल उसी के समान जिसमें हम रहते हैं अट्ठावन नवंबर 2021 में डैनियल डे दे किम जिन्होंने पहले एनिमेटेड श्रृंखला में जनरल फोंग और बाद में द लीजेंड ऑफ कोरा में हिरोशी सातो को आवाज़ दी थी फायर लॉर्ड ओजाई के रूप में श्रृंखला के कलाकारों में शामिल हुए सात उस महीने का अंत में पॉल सन ह्यूंगली लिम के सियू और केन लेंग क्रमशः इरोह ग्यात्सो और कमांडर झाओ की भूमिका निभाते हुए श्रृंखला के कलाकारों में शामिल हो गए छह दिसंबर में एलिजाबेथ यू यवोन चैपमैन टैमलिन टोमिता केसी कैंप होरीनेक और मारिया झांग को क्रमशः अजुला अवतार क्योशी युकारी मेयर के प्रतिस्थापन में सूकी की मां के रूप में जोड़ा गया एक नया चरित्र की भूमिका निभाते हुए कलाकारों में शामिल किया गया था क्योशी द्वीप ग्रैंड ग्रैंड और सुकी 11 अप्रैल 2022 में ऑडेन चो और मोमना तमाडा जून और टाई ली के रूप में कलाकारों में शामिल हुए तीस सत्रह उस महीने के अंत में सीएस ली को अवतार रोकू के रूप में चुना गया चौंतीस जून दो में ए मार्टिनेज और एम्ब मिथंडर को क्रमशः मास्टर पक्कू और प्रिंसेस यू के रूप में चुना गया सैंतीस छत्तीस जुलाई 2022 में ये पता चला कि जेम्स सी एनिमेटेड श्रृंखला में गोभी व्यापारी के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे 27 सितंबर 2022 में अधिक अतिरिक्त भूमिकाओं की घोषणा की गई जिनमें से दो को द फेस टीलर की आवाज़ के रूप में जॉर्ज टेकी और वानशी टोंग की आवाज़ के रूप में डुक किम थे टेकी ने पहले एनिमेटेड श्रृंखला में फायर नेशन प्रिशन रिग वार्डन की आवाज़ दी थी जबकि डुक किम की 2010 की लाइव एक्शन फिल्म द लास्ट एबेंडर में एक छोटी भूमिका थी उनसठ फिल्मांकन उत्पादन और फिल्मांकन 16 नवंबर 2021 को वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में शुरू हुआ साठ इकसठ श्रृंखला को विंड्स और ब्लू डॉन के कामकाजी शीर्षकों के तहत फिल्माया गया था मुख्य फोटोग्राफी 17 जून 2022 को पूरी हुई छह दो पांच चार छह तीन छह छह चार स्टीवर्ट वेलन ने एक छायाकार के रूप में काम किया पैंसठ दृश्य प्रभाव डीएनईजी ने, ने दृश्य प्रभावों को संभाला एक संगीत सोलह फरवरी दो हजार तेईस को यह पुष्टि की गई कि पुरस्कार विजेता जापानी अमेरिकी संगीतकार ताकेशी फुरुकावा इस परियोजना से इसके संगीतकार के रूप में जुड़े थे छियासठ जेरेमी जकमैन जिन्होंने मूल शो के लिए संगीत तैयार किया था मूल रूप से रीमेक के लिए संगीत तैयार करने के लिए लौटने वाले थे सरसठ लेकिन बाद में डिमाटिनो और कोनिट्सको के प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद उन्होंने शो में अपनी भागीदारी से इनकार कर दिया अड़सठ मार्केटिंग श्रृंखला के चार मुख्य पात्रों आंग कटारा सोका और जुको का पहला लुक जून 2023 में नेटफ्लिक्स के टुडुम फैन इवेंट में जारी किया गया था साथ ही शो में चार तत्वों की विशेषता वाला एक टीज़र भी जारी किया गया था दो इसके बाद अक्टूबर 2023 में फायर नेशन के पात्रों पर पहली नजर डाली गई उनहत्तर नौ नवंबर 2023 को नेटफ्लिक्स ने श्रृंखला के लिए पहला आधिकारिक टीजर ट्रेलर जारी किया सत्तर श्रृंखला का आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2024 को जारी किया गया था इकहत्तर रिलीज ये सीरीज 22 फरवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी दो तीन स्वागत समीक्षा एग्रीगेटिव वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने छप्पन आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर उनसठ प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग की सूचना दी वेबसाइट के आलोचकों ने सर्वसम्मति से लिखा है अवतार द लास्ट एब प्रिय फ्रेंचाइज में एक ठोस लाइव एक्शन प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है हालांकि यह केवल छिटपुट रूप से अपने स्रोत सामग्री के जादू को पुनः प्राप्त करता है बहत्तर मेटाक्रिटिक जो भारत औसत का उपयोग करता है ने 26 आलोचकों के आधार पर 100 में से 56 का स्कोर दिया जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है तिहत्तर द गार्जियन के जैक सील ने श्रृंखला की सकारात्मक समीक्षा करते हुए कहा परिदृश्य चमकते हैं छह पैरों वाला एक विशाल उड़ने वाला बाइसन है जो बादलों के माध्यम से सभी को शानदार ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और युवा कलाकार इस कार्य के लिए तैयार हैं चौहत्तर आइजीएन के जोश येहल ने आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा लाइव एक्शन अवतार द लास्ट एबैंड श्रृंखला मूल कहानी को सार्थक नई सामग्री के साथ समृद्ध करती है लेकिन इसकी खतरनाक गति प्रदर्शनी भारी संवाद और हिट या मिस प्रभाव ये बिल्कुल संतुलन में है पचहत्तर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के जेम्स मार्श ने बेहद सकारात्मक समीक्षा दी स्रोत सामग्री के कट्टर भक्तों को अनिवार्य रूप से बहस करने के लिए मामूली कॉस्मेटिक और समग्र परिवर्तन मिलेंगे लेकिन आलोचकों को किम और उनके दल के दिल में होने के खिलाफ बहस करने में कठिनाई होगी सही जगह छिहत्तर द टेलीग्राफ से अनीता सिंह ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी यह ठोस मनोरंजन है तेज तर्रार एक्शन से भरपूर अच्छे लड़ाई दृश्यों और कुछ आकर्षक प्रदर्शनों के साथ ये सब एक उदार नेटफ़्लिक्स बजट पर किया गया है सूक्ष्मता की अपेक्षा न करें इसका उद्देश्य बच्चों पर है इसलिए पात्रों और कथानक को व्यापक रूप से चित्रित किया गया है सतहत्तर वैराइटी का मानना है कि हालांकि ये 2010 की फ़िल्म द लास्ट एबेंडर जितनी बुरी नहीं थी लेकिन ये प्रशंसकों को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि स्ट्रीमर ने डिमाटिनो और कोनिट्सको की उत्कृष्ट कृति को अकेला छोड़ दिया होता अठहत्तर यूएसए टुडे की केली लोरा ने शो को मूल की एक भ्रष्ट प्रतिकृति कहा और दावा किया इस कहानी को लाइव एक्शन में बताने के दो असफल प्रयासों के बाद ये स्पष्ट है कि अवतार की महानता इसके एनिमेशन के कारण थी इसके बावजूद नहीं ये रियोजना एक एनिमेटेड नाटकीय फिल्म होगी जिसका निर्माण 2021 के अंत में शुरू हुआ छह सात कोनेट्सको ने अटलांटा के उत्तर में एक उपनगर रोसवेल जॉर्जिया में रोसवेल हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की उन्होंने उन्नीस में रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन से चित्रण में ललित कला स्नातक की डिग्री हासिल की आठ नौ वह अपनी पत्नी लिसा के साथ लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में रहते हैं दस दोस्तों जैसा कि हमें पता है ये पहले भी एक तरह से एनिमेटेड सीरीज़ में ये हमें देखने को मिल चुकी है और बहुत पहले से ये यूनिवर्स चलता आ रहा है लेकिन इसके जब राइट एक तरह से ओ डी राइट नेटफ्लिक्स ने ख़रीदे तो ये ज़बरदस्त सीरीज हमें एक तरह से एनिमे से हट कर एक तरह से हमें देखने को मिली है सीरीज़ की बात की जाए तो सेक्शन वन हमें देखने को मिल चुका है और आते इसने बूम मचा दी है और ये गूगल पर मोर सर्चेबल में भी एक तरह से आ चुका है और नेटफ्लिक्स पर भी तकरीबन बीस से तकरीबन तीस मिलियन लोगों ने इसे पसंद किया है उन्होंने इसे देख लिया है बाकी अब इस एपिसोडों की बात की जाए तो इस सेक्शन के अंदर तकरीबन हमें आठ एपिसोड देखने को मिले हैं साथ ही साथ लेंथ की बात की जाए तो लगभग बयालीस लग है आपको बताऊ पैतालीस से चालीस मिनट के तकरीबन एपिसोड की लेंथ बताई जा रही है बाकी आगे मैं थोड़ी और जानकारी मैं आपको देता हूँ अवतार द लास्ट एयर एंड आमतौर पर ए टी के रूप में संक्षिप्त जिसे कुछ क्षेत्रों में अवतार द लीजेंड ऑफ आंग यह केवल अवतार या द लास्ट एबेंडर के रूप में भी जाना जाता है माइकल डांटे डिमार्टिनो द्वारा बनाई गई एक अमेरिकी एनिमेटेड फैंटेसी एक्शन टेलीविजन श्रृंखला ब्रान कोनेट्सको और निकेलोडियन एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित अवतार एक एशियाई और आर्कटिक प्रेरित दुनिया पर आधारित है जिसमें कुछ लोग चीनी मार्शल आर्ट से प्रेरित झुकने के माध्यम से चार तत्वों जल पृथ्वी अग्नि या वायु में से एक को टेलीकेटिक रूप से हेरफेर कर सकते हैं एकमात्र व्यक्ति जो सभी चार तत्वों को मोड़ सकता है अवतार दुनिया के चार देशों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है और भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है श्रृंखला बारह वर्षीय आंग वर्तमान अवतार और अपने देश के अंतिम उत्तरजीवी एयरनोमेड स के साथ उसके दोस्तों कटारा सोका और टोफ की यात्रा पर केंद्रित है क्योंकि वे फायर नेशन के खिलाफ युद्ध को समाप्त करने का प्रयास करते हैं दुनिया पर विजय पाने से पहले अन्य देशों और फायर लॉर्ड ओजाई को हरा दें ये फायर नेशन के निर्वासित राजकुमार जुको की कहानी का भी अनुसरण करता है जो अपने चाचा इरोह और बाद में अपनी बहन अजुला के साथ आंख पर कब्जा करके अपने खोए हुए सम्मान को बहाल करने की कोशिश कर रहा है अवतार को ऐसी शैली में प्रस्तुत किया गया है जो एनिमे को अमेरिकी कार्टूनों के साथ जोड़ती है और मुख्य रूप से चीनी संस्कृति की कल्पना पर निर्भर करती है तीन कुछ अन्य पूर्वी एशियाई दक्षिण पूर्व एशियाई दक्षिण एशियाई नई दुनिया साइबेरियाई और आर्कटिक प्रभावों के साथ अवतार द लास्ट एब एंड रेटिंग में सफल रही और इसे अपने पात्रों सांस्कृतिक संदर्भों कला निर्देशन आवाज अभिनय साउंडट्रैक, हास्य और विषयों के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिली इनमें युद्ध नरसंहार साम्राज्यवाद अधिनायकवाद सिद्धांतवाद और स्वतंत्र विकल्प सहित युवा मनोरंजन में शायद ही कभी स्पर्श की जाने वाली अवधारणाएं शामिल हैं चार इसने पांच एनी अवार्ड एक जेनेसिस अवार्ड एक प्राइम टाइम एमी अवार्ड एक किड्स चबाइस अवार्ड और एक पी बॉडी अवार्ड जीता इस शो को कई आलोचकों द्वारा अब तक की सबसे महान एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला में से एक माना जाता है अवतार निकलोडियन पर फरवरी 2005 से जुलाई 2008 तक तीन सीजन के लिए प्रसारित हुआ पांच विस्तारित अवतार फ्रेंचाइज में एक चालू कॉमिक्स श्रृंखला एक प्रीक्वल उपन्यास श्रृंखला एक एनिमेटेड सीक्वल श्रृंखला और एक लाइव एक्शन फिल्म के साथ साथ एक लाइव भी शामिल है नेटफ्लिक्स के लिए निर्मित एक्शन रीमेक सीरीज छह पूरी श्रृंखला को इसके समापन की दसवीं वर्षगांठ के सम्मान में जून 2018 में ब्लू रेपर जारी किया गया था सात और मई 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध ध कराया गया था आठ नौ जून 2020 में पैरामाउंट जोड़ पर दस और जनवरी 2021 में अमेजन प्राइम वीडियो पर श्रृंखला सिंघावलोकन सेटिंग मुख्य लेख अवतार की दुनिया द लास्ट एबैंड दुनिया का नक्शा चार देशों का मानचित्र अवतार द लास्ट एबैंड एक ऐसी दुनिया पर आधारित है जहां मानव सभ्यता में चार राष्ट्र शामिल हैं जिनका नाम चार शास्त्रीय तत्वों के नाम पर रखा गया है जल जनजाति पृथ्वी साम्राज्य राष्ट्र और वायुखानाबदोष प्रत्येक राष्ट्र में कुछ लोग जिन्हें बैंडर्स वॉटरबैंडर्स फायर फायरबैंडर्स और एयर एयरबैंडर्स के रूप में जाना जाता है चीनी मार्शल आर्ट पर आधारित इशारों का उपयोग करके अपने राष्ट्र के अनुरूप तत्व को टेलीकेनेटिक रूप से हेरफेर और नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं अवतार एकमात्र वर व्यक्ति है जो सभी चार तत्वों को मोड़ने की क्षमता रखता है अवतार एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ है जिसका कर्तव्य चार देशों के बीच सद्भाव बनाए रखना और मनुष्यों और आत्माओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना है जब अवतार मर जाता है तो उनकी आत्मा एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है जो अवतार चक्र के रूप में जाने जाने वाले निर्धारित क्रम में अगले राष्ट्र में माता पिता के यहां पैदा होगी अग्नि वायु जल और पृथ्वी परंपरा के अनुसार नया अवतार सभी चार झुकने वाली कलाओं को सीखने के लिए दुनिया की यात्रा करेगा जिसके बाद वे वैश्विक शांतिदूत के रूप में अपनी भूमिका ईमानदा री से शुरू करेंगे अवतार अवतार राज्य नामक स्थिति में प्रवेश कर सकता है जिसमें वे अस्थायी रूप से अपने सभी पिछले अवतारों के कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं यद्यपि यह तब होता है जब वे अपने सबसे शक्तिशाली स्थान पर होते हैं यदि अवतार राज्य में अवतार कभी मारा गया तो पुनर्जन चक्र टूट जाएगा और अवतार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा सार मुख्य लेख अवतार की सूची द लास्ट एब एंड पात्र एक सदी पहले युवा अवतार आंग अपनी नई जिम्मेदारियों से डरकर अपने घर से भाग गए और एक तूफान के कारण उन्हें समुद्र में धकेल दिया गया उन्होंने खुद को और अपने स्काई बाइसन अप्पा को दक्षिणी ध्रुव के पास एक हिमखंड में निलंबित एनिमेशन में बंद कर दिया कुछ ही समय बाद फायर नेशन के शासक फायर लॉर्ड सोजिन ने अपने देश के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध शुरू किया ये जानते हुए कि अवतार एक एयर खानाबदोश होना चाहिए उसने एयर खानाबदोशों के ख़िलाफ़ नरसंहार किया जिसे उसने एक धूमकेतु के आगमन के साथ जा अड़ा जो फायरबैंडर्स को जबरदस्त शक्ति देता है सौ साल बाद दक्षिणी जल जनजाति के किशोर भाई बहन कटारा और सोका गलती से आंग की खोज करते हैं और उसे पुनर्जीवित करते हैं पहले सीजन में आंग कटारा और सोका के साथ उत्तरी जल जनजाति की यात्रा करता है ताकि वो पानी झुकना सीख सके और फायर नेशन को हराने के लिए तैयार हो सके वर्तमान फायर लॉर्ड ओजाई के निर्वासित पुत्र प्रिंस जुको अपने सम्मान को बहाल करने के लिए अवतार को पकड़ने की उम्मीद में अपने चाचा इरोह के साथ उनका पीछा करते हैं आंग का पीछा फायर नेशन के एडमिरल झाओ द्वारा भी किया जाता है जो ओजाई का पक्ष जीतने की इच्छा रखता है जब उसकी नौसेना उत्तरी जल जनजाति पर हमला करती है तो झाओ चंद्रमा की आत्मा को मार देता है जनजाति की राजकुमारी यू इसे पुनर्जीवित करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर देती है और आंग दुश्मन के बेड़े को खदेड़ देती है दूसरे सीजन में आंग 12 साल के एक नेत्रहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति टोफ बेफोंग से मिट्टी झुकाना सीखता है जुको और इरोह जो अब फायर लॉर्ड से भगोड़े हैं पृथ्वी साम्राज्य में शरणार्थी बन गए अंततः इसकी राजधानी से में बस गए दोनों समूहों का पीछा अजुला जुको की छोटी बहन और एक तेजतर्रार प्रतिभा द्वारा किया जाता है आंग का समूह आगामी सूर्य ग्रहण के समय फायर नेशन पर हमले के लिए पृथ्वी राजा का समर्थन मांगने के लिए से की यात्रा करता है जिसके दौरान फायरबैंड शक्तिहीन होंगे अजुला ने त खतापलट के लिए उकसाया जिससे राजधानी फायर नेशन के नियंत्रण में आ गई और जुको अपनी बहन के साथ आ गया आंग अजुला द्वारा बुरी तरह घायल हो गया है लेकिन कटारा ने उसे पुनर्जीवित कर दिया है तीसरे सीजन में आंग और उसके सहयोगी सूर्य ग्रहण के दौरान फायर नेशन की राजधानी पर आक्रमण करते हैं लेकिन पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाते हैं आंग में शामिल होने और उसे फायर फायरबैंडिंग सिखाने के लिए जुको फायर नेशन को छोड़ देता है भिक्षुओं द्वारा सभी जीवन का सम्मान करने के लिए पाला गया आंग इस संभावना से जूझ रहा है कि युद्ध को समाप्त करने के लिए उसे ओजाई को मारना होगा जब सोजिन का धूमकेतु वापस आता है तो आंग ओजाई का सामना करता है और अपनी अवतार शक्तियों का उपयोग करके ओजई की अग्नि झुकने की क्षमता को छ न लेता है इस बीच आंग के दोस्त बा सिंह से को मुक्त कराते हैं फायर नेशन हवाई जहाज के बेड़े को नष्ट करते हैं और अजुला पर कब्जा कर लेते हैं जुको को नए अग्नि भगवान का ताज पहनाया गया और युद्ध समाप्त हो गया एपिसोड मुख्य लेख अवतार की सूची द लास्ट एयरबेंडर एपिसोड ये भी देखें सोजिन धूमकेतु श्रृंखला में इकसठ एपिसोड हैं पहला एपिसोड एक घंटे लंबा प्रीमियर 21 फरवरी 2005 को निकलोडियन पर प्रसारित हुआ बारह श्रृंखला का समापन 19 जुलाई 2008 को दो घंटे की टेलीविज़न फिल्म के प्रसारण के साथ हुआ तेरह श्रृंखला के प्रत्येक सीजन को एक पुस्तक के रूप में जाना जाता है जिसमें प्रत्येक एपिसोड को अध्याय के रूप में संदर्भित किया जाता है प्रत्येक पुस्तक का नाम उन तत्वों में से एक से लिया गया है जिनमें आंख को महारत हासिल करनी चाहिए जल पृथ्वी और अग्नि बारह शो के पहले दो सीजन में प्रत्येक में बी स एपिसोड होते हैं और तीसरे सीजन में इक्कीस एपिसोड होते हैं पूरी श्रृंखला को क्षेत्र एक टू और चार में डीवीडी पर रिलीज किया गया है चौदह मई 2020 तक पूरी श्रृंखला संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है पन्द्रह मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित न होने के बावजूद यह अपनी रिलीज के पहले सप्ताह के भीतर यूएस नेटफ्लिक्स पर सबसे लोकप्रिय शो बन गया आठ शो ने नेटफ्लिक्स की दैनिक शीर्ष दस सूची में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रदर्शित होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया सूची में लगातार साठ दिनों के साथ शीर्ष दस रिकॉर्ड धारकों में केवल दो शो में से एक जो जुलाई 2020 तक नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला नहीं थी सोलह बाद में जून दो में पूरी श्रृंखला पैरामाएं ट उस समय सीबीएस ओलेक्सिस दस और बाद में जनवरी दो हजार इक्कीस में अमेजन प्राइम वीडियो ग्यारह पर उपलब्ध हो गई किताब नाम एपिसोड मूल रूप से प्रसारित सबसे पहले प्रसारित किया गया आखिरी बार प्रसारित हुआ एक पानी बीस इक्कीस फरवरी दो हजार पांच दो दिसंबर 2005। दो हजार पांच दो धरती बीस सत्रह मार्च दो हजार एक दिसंबर दो हजार छह तीन आग 21 21 सितंबर 2007 19 जुलाई 2008 विकास गर्भाधान एवं उत्पादन चश्मे वाला गंजा आदमी मुस्कुरा रहा है चश्मे वाला काले बालों वाला आदमी मुस्कुरा रहा है माइकल डिमाटिनो बाय और को श्रृंखला के सह निर्माता अवतार द लास्ट एबैंडर का सहनिर्माण और निर्माण माइकल डांटे डिमाटिनो और ब्रानकोनिट्सको द्वारा बर्बैंक कैलिफोर्निया में निकेलोडियन एनिमेशन स्टूडियो में किया गया था इसका एनिमेशन ज्यादातर दक्षिण कोरियाई स्टूडियो जेएम एनिमेशन डी आर मूवी और एमओआई एनिमेशन द्वारा किया गया था कोनिट्सको के अनुसार श्रृंखला की कल्पना 2001 की शुरुआत में की गई थी जब उन्होंने एक गंजे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का एक पुराना स्केच लिया था और उस आदमी की एक बच्चे के रूप में कल्पना की थी उन्होंने आकाश में चरवाहे बायसन के चरित्र का चित्रण किया और डिमार्टिनो को रेखाचित्र दिखाया जो दक्षिणी ध्रुव पर फंसे खोजकर्ताओं के बारे में एक वृत्तचित्र देख रहे थे कोनिट्सको ने इस अवधारणा के शुरुआती विकास का वर्णन किया इन जलीय लोगों के साथ एक वायुयान भी है जो बर्फ़ीली भूमि में फंसा हुआ है और शायद कुछ आग वाले लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं सत्रह दो सप्ताह बाद सहनिर्माताओं ने सफलतापूर्वक इस विचार को निक्लोडियन के उपाध्यक्ष और कार्यकारी निर्माता एरिक कोलमन के सामने रखा अठारह श्रृंखला को कॉमिक कॉन 2004 में एक टीज़र रील में जनता के सामने पेश किया गया था 19 और 21 फरवरी 2005 को इसका प्रीमियर हुआ 20. एक साक्षात्कार में कोनिट्सको ने कहा माइक और मैं वास्तव में हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे अन्य महाकाव्य लेजेंड्स एंड लो गुणों में रुचि रखते थे लेकिन हम जानते थे कि हम उस प्रकार की शैली के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहते थे जापानी एनीमे हांगकांग एक्शन और कुंगफू सिनेमा योग और पूर्वी दर्शन के प्रति हमारे प्यार ने हमें अवतार द लास्ट एबेंडर के लिए प्रारंभिक प्रेरणा दी 21. मुख्य लेखक आरोन एहास के अनुसार कोनेट्सको और डिमाटिनो ने मूल रूप से श्रृंखला के तीन सीजन लंबे होने की कल्पना की थी लेकिन निकिलोडियन ने एहस से पूछा कि चौथे सीजन के लिए उनके विचार क्या होंगे और बाद में उन्होंने कोनिट्सको और डिमाटिनो दोनों के साथ इन विचारों पर चर्चा की एहास का मानना था कि एक चौथा सीजन बनाया जाएगा लेकिन ये योजना तब बाधित हो गई जब कोनिट्सको और डिमार्टिनो फिल्म द लास्ट एबेंडर में एम नाइट श्यामलिन की सहायता करने में व्यस्त हो गए एहास का कहना है कि श्यामलिन ने जोर देकर कहा कि वे इसके बजाय चौथा सीजन बनाएंगे लेकिन कोनिट्सको और डिमार्टिनो लाइव एक्शन फिल्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे क्योंकि वे इस परियोजना के कार्यकारी निर्माता थे बाईस हालांकि कोनेट्सको और डिमार्टिनो ने इसका खंडन किया है और दावा किया है कि चौथे सीजन पर न तो उन्होंने कभी विचार किया और न ही निकेलोडियन ने तेईस पायलट श्रृंखला के लिए एक पायलट एपिसोड 2003 में बनाया गया था इसे टिन हाउस इंक द्वारा एनिमेटेड किया गया था जिसे माइकल डांटे डिमार्टिनो और ब्रान कोनिट्सको ने लिखा था और डेव फिलोनी द्वारा निर्देशित किया गया था मिचेल मूसो ने इस पायलट में आंग को आवाज़ दी थी लेकिन बाद में जब शो का निर्माण शुरू हुआ तो उसकी जगह जैच टाइलर ईसेन ने ले ली एपिसोड में सोका और उसकी बहन क्या श्रृंखला प्रसारित होने के समय इसका नाम बदलकर कटारा कर दिया गया था को आंग जो कि अवतार है के लिए गुरु ढूंढने के लिए दुनिया की यात्रा करनी होगी हालांकि उन्हें एक महत्वपूर्ण दुश्मन फायर नेशन के राजकुमार्ज को से बचना होगा जो आंग पर कब्जा करना चाहता है यह एपिसोड पहली बार एनटीएससी सीजन एक डीवीडी बॉक्स सेट में अतिरिक्त में से एक के रूप में सार्वजनिक रूप से जारी किया गया था जो पहले जारी किए गए व्यक्तिगत संस्करणों के साथ उपलब्ध नहीं थे चूंकि पैल बॉक्स सेट में अतिरिक्त सुविधाओं का अभाव था इसलिए एपिसोड को पैल क्षेत्रों में डीवीडी पर उपलब्ध नहीं कराया गया था एपिसोड को रचनाकारों की ऑडियो कमेंट्री के साथ जारी किया गया था जिसे सीजन के अन्य एपिसोड की कमेंट्री के विपरीत डीवीडी सेट पर अक्षम करना संभव नहीं है चौबीस चौदह जून दो हज़ार दस को बिना प्रसारित पायलट को पहली बार आईट्यून स्टोर के माध्यम से कमेंट्री के साथ और बिना कमेंट्री के उपलब्ध कराया गया था पच्चीस दो हज़ार बीस में पायलट को ट्विच पर दिखाया गया था छब्बीस को प्रभावित शो में प्रदर्शित काल्पनिक स्थान वास्तविक स्थानों की वास्तुकला और डिज़ाइन पर आधारित हैं उदाहरण के लिए रचनाकारों ने चीन के बीजिंग में फबिडन सिटी की तर्ज पर बांसिंग से शहर का मॉडल तैयार किया यह श्रृंखला अपने ब्रह्मांड के लिए पूर्वी एशियाई कला और पौराणिक कथाओं से बड़े पैमाने पर उधार लेने के लिए उल्लेखनीय है इसके रचनाकारों ने इसकी कला दिशा और सेटिंग निर्धारित करने में मदद के लिए सांस्कृतिक सलाहकार एडविन जैन और सुलेखक सी ले ली को नियुक्त किया सत्ताईस अट्ठाईस इसके चरित्र डिजाइन चीनी कला और इतिहास हिंदू धर्म ताओवाद और बौद्ध धर्म और योग से प्रभावित हैं 27 उनतीस जेरमी जकमैन और बेंजामिन व्यान ने प्रारंभिक विकासात्मक चरणों में एक साथ श्रृंखला का संगीत और ध्वनि डिजाइन बनाया और फिर र कार्यों को विभाजित किया जकमैन ने संगीत की जिम्मेदारी ली और व्यान ने ध्वनि डिजाइन की उन्होंने शो की एशिया प्रभावित सेटिंग से मेल खाने के लिए गुजेंग पीपा और डुडुक सहित कई प्रकार के उपकरणों के साथ प्रयोग किया तीस श्रृंखला में प्रयुक्त काल्पनिक स्थानों की कलाशैली एशिया के वास्तविक स्थानों पर आधारित है बीजिंग में फबिडन सिटी और चीन की महान दीवार जैसी साइटें बासिंग सिंग से के अर्थ किंगडम शहर के लिए प्रेरणा थीं इकतीस और वॉटर ट्राइब के स्थान इनुइट और सिरमिकी संस्कृतियों पर आधारित थे चार ले खरओनेहास के अनुसार शुरुआती फायर नेशन डिजाइन जापानी संस्कृति पर आधारित थे गलती से व्यापक बयान देने से बचने के लिए उन्होंने कई सेटिंग्स और लोगों को अधिक व्यापक रूप से प्रेरित होने के लिए फिर से डिज़ाइन किया चार अंतिम डिज़ाइन के लिए निर्माता फायर नेशन के कपड़ों और वास्तुकला के लिए अधिक चीनी शैली के साथ गए बत्तीस उदाहरण के लिए फायर टेम्पल येलो क्रेन टॉवर पर आधारित था क्योंकि इसके लॉ जैसे वास्तुशिल्प तत्व रचनाकारों के अनुसार फायर नेशन वास्तुकला के लिए एक आदर्श रूप थे तैंतीस बैंडर पात्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इशारे चीनी मार्शल आर्ट से लिए गए हैं जिसके लिए रचनाकारों ने हारमोनियस फिस्ट चीनी एथलेटिक एसोसिएशन के सिफू किसु को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था चौंतीस प्रत्येक लड़ाई शैली उन बैंडर्स के लिए अद्वितीय होती है जो उनका उपयोग करते हैं या उन पात्रों के लिए जो एक निश्चित तत्व से जुड़े होते हैं उदाहरण के लिए वाटर बैंडिंग के अभ्यासी ताइची से प्रभावित आंदोलनों का उपयोग करते हैं और संरेखण शरीर संरचना सांस और दृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं हंगगार अर्थबैंडिंग के अभ्यासकर्ताओं के लिए प्रेरणा था और इसे पृथ्वी की दृढ़ता के प्रतिनिधित्व के रूप में इसके मजबूती से निहित रुख और शक्तिशाली हमलों के लिए चुना गया था उत्तरी शाओलिन जो मजबूत हाथ और पैर की गतिविधियों का उपयोग करता है को फायबैंडिंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था बगुआ जो गतिशील परिपत्र आंदोलनों और त्वरित दिशात्मक परिवर्तनों का उपयोग करता है का उपयोग एबेंडिंग के लिए किया गया था पैंतीस चूगार साउदन प्रेयरिंग मैंटिस्ट शैली को अर्थबैंड टोप द्वारा अभ्यास करते हुए देख जा सकता है जो अपने अंधेपन के परिणामस्वरूप एक अनूठी लड़ाई शैली विकसित करती है छत्तीस एशियाई सिनेमा ने इन मार्शल आर्ट झुकने वाली चालों की प्रस्तुति को प्रभावित किया सत्रह विषय वस्तु श्रृंखला कई विषयों को संबोधित करती है जिन पर युवा मनोरंजन में शायद ही कभी चर्चा की जाती है जिसमें युद्ध नरसंहार साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद और अधिनायकवाद लिंग भेदभाव और महिला सशक्तिकरण हाशिए पर और उत्पीड़न आध्यात्मिकता के साथ साथ भाग्य नियति और आसपास के दार्शनिक प्रश्न शामिल हैं मुक्त इच्छा चार ये शो उस अवधि के दौरान सेट किया गया है जब दुनिया फायर नेशन द्वारा शुरू किए गए साम्राज्यवादी युद्ध में फंसी हुई है जबकि युद्ध एक निरंतर पृष्ठभूमि है शो इन प्रभावों को आम लोगों उत्पीड़ित पृथ्वी साम्राज्य के नागरिकों के साथ साथ प्रशिक्षित फायर नेशन स्कूली बच्चों की आंखों के माध्यम से दर्शाता है ये दिखाने के लिए कि युद्ध कैसे सभी को पीड़ित बनाता है चार और जबकि फायर नेशन को हिंसा भड़काने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है ये शो अर्थ किंगडम शहर बास सिंह से के निवासियों द्वारा अनुभव की गई प्राण लीगत असमानता के साथ साथ शहर की गुप्त पुलिस की नापाक गतिविधियों को भी दर्शाता है ये स्थितियां सत्ता की भ्रष्ट प्रकृति और अच्छे और बुरे की बारीकियों को दर्शाती हैं चार यह शो दर्शकों को शुरुआत में ही नरसंहार से परिचित कराता है जब नायक आंग दक्षिणी वायु मंदिर में अपने पूर्व घर का दौरा करता है वो ये जानने के लिए आता है कि उसके लोगों का नरसंहार किया गया है और वो गुस्से से लेकर नुकसान तक कई तरह की भावनाएं प्रदर्शित करता है सैतीस जुको का चरित्र और उसके पिता और अंकल इरोह के साथ उसका रिश्ता श्रृंखला का मुख्य मोचन आंख है और शो के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है कि नियति और नियति अन्य लोगों द्वारा बाध्यकारी या निर्धारित नहीं है लेकिन उन्हें बदला जा सकता है अड़तीस सीजन दो में जुको अपने पिता द्वारा निर्धारित नियति और मार्ग के अनुरूप होने के लिए संघर्ष करता है चार लेकिन इरोह ने उसे उकसाते हुए पूछा तुम कौन हो तुम क्या चाहते हो उन्तालीस हाशिए के मुद्दे से निपटने के लिए ये शो विभिन्न प्रकार के पात्रों का भी प्रतिनिधित्व करता है उदाहरण के लिए टोफ जैसे एक अंधे चरित्र और टीओ जैसे एक लकवाग्रस्त लड़के को पेश करते हुए शो में उन पात्रों को दर्शाया गया है जो अपनी शारीरिक और सामाजिक सीमाओं पर काबू पाने में कमजोर हैं चार जब शो की महिला किरदारों की बात आती है तो ये भी सच है उदाहरण के लिए महिला नायक कटारा को प्रणालीगत लिंगभेद का सामना करना पड़ता है जब वो वॉटरबैंडिंग सीखने के लिए उत्तरी जल जनजाति में पहुंचती है एक अन्य उदाहरण में उस्क भाई सोका शुरू में सभी महिला क्योशी योद्धाओं को खारिज करता है लेकिन उनके कौशल का सम्मान करना और उनकी सराहना करना सीखता है चार कोटाकू के कक हैमिल्टन के अनुसार ये विषय शो के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं कि सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरने की तुलना में स्वयं बने रहना अधिक महत्वपूर्ण है उनतालीस स्वागत रेटिंग अवतार द लास्ट एबेंडर को सार्वभौमिक प्रशंसा मिली जुलाई 2020 तक तेईस समीक्षाओं के आधार पर रॉटेन टोमाटोज पर शो का समीक्षक स्कोर 100 प्रतिशत है 48 आईजीएन के मैक्स निकोलसन ने इसे अवश्य देखें कहा और इसे अब तक की सबसे महान एनिमेटेड श्रृंखला में से एक के रूप में वर्णित किया उनचास डीवीडी टॉक के निक हाटल ने श्रृंखला को एक उल्लेखनीय बच्चों के अनुकूल शो कहा जिसकी विरासत आने वाले वर्षों तक कायम रहनी चाहिए अड़तीस ब्लीडिंग कूल के एरिक अमाया ने श्रृंखला को अपनी परिष्कार में प्रभावशाली और शानदार बताया फिफ्टी स्लग मैगजीन के हेनरी ग्लैशन ने श्रृंखला को साहसिक और रोमांचक क्लासिक और कभी कभी प्रेरक कहा इक्यावन हाइपेबल की ब्रिटनी लवली के अनुसार ये जटिल और सुंदर कहानियां बताती है बावन इनसाइड पल्स के जो कोरी ने श्रृंखला को एनीमे एक्शन हाइब्रिड के रूप में वर्णित किया तिरपन पोपजारा के क्रिस मिशेल ने श्रृंखला के पृष्ठभूमि संगीत और आवाज़ अभिनय की प्रशंसा करते हुए इसे निक्लोडियन पर प्रसारित होने वाले सर्वश्रेष्ठ शो में से एक कहा चौवन आईजेन के डीएफ स्मिथ ने उन दर्शकों के लिए इसकी अनुशंसा की जो एक्शन एडवेंचर कार्टून का आनंद लेते हैं पचपन स्क्रीन रैंट के रॉब कीज ने श्रृंखला को अब तक बने सबसे महान कार्टूनों में से एक कहा छप्पन इनसाइड पल्स के माइक नॉयस ने उन दर्शकों के लिए इसकी अनुशंसा की जो महान रोमांच का आनंद लेते हैं 57 सेवन टीवी शोज ऑन डीवीडी डॉट कॉम के गॉड लेसी ने श्रृंखला को अब तक के सबसे बेहतरीन एनिमेटेड शो में से एक कहा अट्ठावन डीवीडी टॉक के टॉ डगलस जूनियर के अनुसार वयस्कों को भी श्रृंखला का उतना ही आनंद आएगा जितना बच्चों को 59 नाइन सीएचयू डी कॉम के जोशुआ मिलर ने इसे अभूतपूर्व और अमेरिकी टीवी पर अब तक के सबसे अच्छे एनिमेटेड कार्यक्रमों बच्चों या वयस्कों में से एक कहा मिलर के अनुसार श्रृंखला एनिमे से काफी प्रभावित है साठ सिनेफैंटास्टिक के टिम जॉनसन ने इसे निर्मित सबसे आकर्षक एनिमेटेड शो में से एक के रूप में वर्णित किया एकसठ जे ई एन टी के डैनिस एमिथ ने श्रृंखला को अमेरिकी रचनाकारों द्वारा अमेरिका में दिखाई गई सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड टीवी श्रृंखला में से एक कहा अमित ने इसकी परिष्कृत कहानी तीक्ष्णता हास्य और एक्शन की प्रशंसा की बासठ नर्ट सोसाइटी के फ्रेंको क्रिकेट टी ने अवतार द लास्ट एबेंड को अब तक देखे गए सर्वश्रेष्ठ कार्टूनों में से एक के रूप में वर्णित किया इसके पात्रों और कथानक के लिए श्रृंखला की सिफारिश की तिरसठ वाइड के स्कॉट थिल ने श्रृंखला को आकर्षक और पूर्वी दुनिया से प्रभावित इसकी सेटिंग को शानदार कहा चौसठ कोटाकू के कक हैमिल्टन ने कहा कि श्रृंखला टेलीविजन के स्वर्ण युग का हिस्सा होनी चाहिए और दूसरों को परिष्कृत बच्चों के शो की सिफारिश की उनतालीस शो के लेखन और विषयों की आलोचकों द्वारा व्यापक सराहना की गई है डैन ऑफ गीक के माइकल एस मैममानो ने कथानक को स्मार्टली लिखित कहा और एनिमेशन की प्रशंसा की पैंसठ वॉइस न्यूज के लिए लिखते हुए निकोल क्लार्क ने कहा कि शो की कथात्मक गहराई इसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी और कहानी की भावनात्मक प्रामाणिकता की प्रशंसा की और यह कैसे बहुत युवा दर्शकों को नरसंहार जैसे गहरे विषय के सामने उजागर करती है और सत्तावाद साथ ही उन्हें इन मुद्दों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है चार कॉमिक मिक्स के जेनिफर रोसेनबर्ग को परिवार दोस्तों समुदाय और शिक्षा पर कार्यक्रम का जोर पसंद आया छियासठ निखा अटैल के अनुसार श्रृंखला छोटे बच्चों को डराए बिना नरसंहार और आत्मसंदेह के विषयों को छूती है दुष्ट चरित्रों को भुनाया जा सकता है जो एक महत्वपूर्ण संदेश भेजते हैं कि लोग बदल सकते हैं और नियति से बंधे नहीं हैं आर्तीस क्रिस मिशेल ने कथानक को शानदार कहा चावन डीएफ स्मिथ ने श्रृंखला के कथानक की तुलना जापानी एक्शन कार्टून से की इसके स्वर और संवाद को बहुत अमेरिकी कहा और सभी उम्र के लिए उपयुक्त एक महाकाव्य नाटकीय विषय छोड़ने वाले हास्य की प्रशंसा की पचपन कीज़ ने भी श्रृंखला के हास्य और प्रभावशाली कथानक की प्रशंसा की यह आपके दिलों पर कब्जा कर लेगा छप्पन माइक नॉयस के अनुसार श्रृंखला क्लासिक फैंटेसी महाकाव्यों के तत्वों को जोड़ती है सत्तावन टॉड डगलस जूनियर ने कथानक को आकर्षक सुविचारित और सार्थक बताया श्रृंखला की अवधारणा एक सुसंगत कहानी के साथ अच्छी तरह से साकार है डगलस ने लिखा कि पात्रों में प्रगति की वास्तविक भावना है और लेखकों की उनके हास्य नाटक और भावना के लिए प्रशंसा की उनसठ जोशुआ मिलर ने श्रृंखला को मूर्खतापूर्ण विषय के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से डाक कहा कथानक लॉस्ट की तुलना में अधिक जीवंत है और बाद वाले शो के समान चरित्र विका स पर जोर देता है मिलर के अनुसार इसका लेखन कहानी कहने का सच्चा वयस्क स्तर था साठ टिम जॉनसन ने श्रृंखला को कल्पना से कहीं अधिक और सुपरहीरो थीम वाला बताया जिसमें पात्रों को केंद्रीय और भरोसेमंद बताया गया इकसठ क्रिकेट तेने श्रृंखला में बौद्ध दर्शन के उपयोग और साहस और जीवन के विषयों की विविध प्रस्तुति की प्रशंसा की तिरसठ कक हैमिल्टन अपने दर्शकों के प्रति खुद को अभिव्यक्त करने और शांत प्रगतिवाद के लिए श्रृंखला की प्रशंसा करते हैं उनतालीस आलोचकों ने अवतार द लास्ट एबेंडर के चरित्र विकास कला एनिमेशन और कोरियोग्राफी की भी प्रशंसा की एरिक अमाया ने अभिव्यंजक एनिमेशन का आनंद लिया जो लेखन को पूरक बनाता है अमाया के अनुसार तत्व हयाओ मियाजाकी से प्रभावित थे पचास डॉट डगलस जूनियर ने चरित्र विकास को दिलचस्प बताया उनसठ जबकि निकोल क्लार्क ने लिखा कि शो वह करने में कामयाब रहा जो आज भी बहुत कम शो करते हैं पात्रों के एक समूह को इकट्ठा करें जो दुनिया को वैसा ही चित्रित करता है जैसा वह है पहचानों और अनुभवों की एक श्रृंखला चार जैनी हर रोसेनबर्ग ने श्रृंखला में महिलाओं के मजबूत ज़िम्मेदार और बुद्धिमान चित्रण की प्रशंसा की छियासठ जोशुआ मिलर के अनुसार बैंडर पात्रों द्वारा रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए झुकने का उपयोग अवतार की दुनिया में गहराई और विश्वसनीयता लाता है मिलर ने श्रृंखला के डिज़ाइनों को समृद्ध और गहन कहा प्रत्येक राष्ट्र का अपना विस्तृत रूप होता है उन्होंने एक्शन दृश्यों की अच्छी तरह से प्रस्तुत के रूप में प्रशंसा की अवतार दुनिया के विकास की तुलना द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से की और लड़ाई की कोरियोग्राफी को अपने सबसे छोटे विवरणों में अद्भुत बताया साठ डीएफ स्मिथ ने श्रृंखला की श्रमसाध्य पृष्ठभूमि का आनंद लिया पचपन क्रिकेट देने प्रत्येक एपिसोड के रंग पैलेट और कोरियोग्राफी में मार्शल आर्ट और जादू के संयोजन की प्रशंसा की तिरसठ निक हॉटल ने एनिमेशन की आलोचना की हालांकि उन्होंने इसे पिछले निकलोडियन शो की तुलना में बेहतर पाया अड़तीस क्रिस मिशेल ने एनिमेशन को तरल पदार्थ कहा है चावन क्रिकेट टी ने इसके मंगा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सहमति व्यक्त की तिरसठ ब्रिटनी लवली के अनुसार युद्ध में ग शराबी पात्रों को उनके शराबी समकक्षों द्वारा छाया दिया जाता है बावन जो कोरी ने एनिमेशन की कार्रवाई और वातावरण को एक महान उपलब्धि कहा तिरपन और रॉब कीज ने श्रृंखला की लड़ाई कोरियोग्राफी की प्रशंसा की छप्पन कक हैमिल्टन के अनुसार श्रृंखला में एक्शन दृश्य बच्चों के लिए उपयुक्त और रोमांचक होने के साथ साथ अद्भुत हैं उनतालीस परंपरा अवतार द लास्ट एबैंडर एक पंथ क्लासिक बन गया है और 2010 के दशक में नेटवर्क ने एनिमेटेड कार्यक्रमों को कैसे देखा इस पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा बाद के बच्चों के शो अक्सर युवाओं और वयस्क प्रोग्रामिंग के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देते थे जिसमें अधिक वयस्क विषय शामिल होते थे सड़सठ अड़सठ कई मीडिया प्रकाशनों ने अवतार को अब तक की सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला में से एक बताया है छ नौ चार सात शून्य सात एक सात दो सात तीन सात चार दो शून्य एक तीन में टीवी गाइड ने अवतार को सर्वकालिक साठ महानतम कार्टूनों की सूची में शामिल किया पचहत्तर दो हज़ार अठारह में वैनिटी फेर ने श्रृंखला को ग्यारहवें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड टीवी शो के रूप में स्थान दिया छिहत्तर इंडिवाय ने अपनी 2018 की सभी समय की 50 सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड श्रृंखला की सूची में अवतार को 36वें स्थान पर रखा सतहत्तर 15 मई 2020 को नेटफ्लिक्स में शामिल होने के बाद श्रृंखला की लोकप्रियता में पुनरुत्थान का अनुभव हुआ ये रिलीज़ के चार दिन बाद अमेरिका में मंच की शीर्ष श्रृंखला में नंबर एक स्थान पर पहुंच गया और चौदह इक्कीस मई के सप्ताह के लिए सबसे लोकप्रिय फ़िल्म या शो था अठहत्तर श्रृंखला ने रिकॉर्ड सेटिंग 60 दिनों के लिए नेटफ्लिक्स की शीर्ष दस श्रृंखलाओं में अपना स्थान बनाए रखा जो फरवरी 2020 में कंपनी द्वारा अपनी शीर्ष श्रृंखला की सूची शुरू करने के बाद से किसी भी शो की तुलना में सबसे अधिक है 16 ये श्रृंखला सबसे अधिक क स्ट्रीम की जाएगी वर्ष के लिए मंच पर बच्चों की श्रृंखला उन्यासी प्रशंसकों और सह निर्माताओं माइकल डांटे डिमार्टिनो और ब्रान कोनिट्स को दोनों ने अवतार की नई लोकप्रियता का श्रेय समसामयिक घटनाओं के लिए इसकी प्रासंगिकता को दिया जिसमें अमेरिका में सीओवीआईडी उन्नीस महामारी और नस्लीय अशांति शामिल है डिमार्टिनो ने टिप्पणी की प्रमुख मुद्दे कहानियां नरसंहार अधिनायकवाद प्रणालीगत अन्याय दुर्व्यवहार दुख की बात है कि ये पूरे इतिहास में व्यापक मुद्दे रहे हैं और बने रहेंगे शो हमारी दुनिया का प्रतिबिंब है लेकिन अब हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिसमें ये सभी हैं समस्याएं और बढ़ गई हैं अस्सी पुरस्कार एवं नामांकन अवतार द लास्ट एबेंडर के लिए पुरस्कार नामांकन वर्ष पुरस्कार वर्ग नामांकित स्थिति 2005 हजार पांच पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ एक्शन एडवेंचर टीवी सीरीज अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष जीता इक्यासी सर्वश्रेष्ठ टीवी श्रृंखला अवतार अंतिम वायु संघर्ष जीता इक्यासी 2006 एनी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड टेलीविजन प्रोडक्शन अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष नामांकित बयासी एक एनिमेटेड टेलीविजन प्रोडक्शन में स्टोरी बोर्डिंग द डेजिटर के लिए लॉरेन मैकमुलन जीता बयासी एक एनिमेटेड टेलीविजन प्रोडक्शन के लिए लेखन द फॉर्च्युन टर के लिए एरोन एहाज और जॉन ओ ब्रांड नामांकित बयासी 2007 हजार सात निकेलोडियन ऑस्ट्रेलियन किड्स चवाइस अवार्ड्स पसंदीदा तून अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष नामांकित तिरासी एनी पुरस्कार टेलीविजन प्रोडक्शन में कैरेक्टर एनिमेशन द ब्लाइंड बैंडिट के लिए यूजे जी म्यूंग जीता चौरासी एक एनिमेटेड टेलीविजन प्रोडक्शन में निर्देशन द ड्रिल के लिए जियांकालो वोल्पे जीता चौरासी उत्पत्ति पुरस्कार उत्कृष्ट बच्चों की प्रोग्रामिंग अप्पा के खोए हुए दिन जीता पिचासी प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स उत्कृष्ट एनिमेटेड कार्यक्रम दीवारों और रहस्यों का शहर नामांकित छियासी एनिमेशन में उत्कृष्ट व्यक्तिगत उपलब्धि लेक लाओगाई के लिए संघ जिनकिम जीता सतासी 2008 किड्स चवाइस पुरस्कार पसंदीदा कार्टून अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष जीता अठासी एनएसी इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म फेस्टिवल टीवी श्रृंखला जोआकिम डॉस सैन्टोज द डे ऑफ ब्लैक सन भाग दो द एक्लिप्स के लिए नामांकित नवासी पीबॉडी पुरस्कार पी बॉडी पुरस्कार अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष जीता नब्बे उपग्रह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ युवा डीवीडी पुस्तक तीन आग खंड चार नामांकित इक्यानवे 2009 एनी पुरस्कार बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड टेलीविजन प्रोडक्शन अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष जीता बानवे एक एनिमेटेड टेलीविजन प्रोडक्शन में निर्देशन जोआ किम डॉस सैंटोस सोजिन धूमकेतु भाग तीन इन द इन्फर्नो के लिए जीता बानवे गोल्डन रील पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन टेलीविजन एनिमेशन सोजिन धूमकेतु भाग चार अवतार आंग नामांकित तिरानवे निकेलोडियन ऑस्ट्रेलियन किड्स चवाइस अवार्ड्स पसंदीदा तून अवतार अंतिम वायु संघर्ष जीता चौरानवे 2010 हजार दस ऑस्ट्रेलियन किड्स चवाइस अवार्ड्स शीर्ष तून अवतार अंतिम वायु संघर्ष नामांकित पचानवे अन्य मीडिया ये भी देखें अवतार द लास्ट एबेंडर फ्रेंचाइजी पुस्तकें शो पर आधारित कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं डार्क Horse कॉमिक्स ने 2 जून 2010 को अवतार द लास्ट एबेंडर द आर्ट ऑफ द एनिमेटेड सीरीज नामक एक कला पुस्तक प्रकाशित की जिसमें श्रृंखला की मूल कला के एक पृष्ठ थे छियानवे कॉमिक्स मुख्य लेख अवतार द लास्ट एबैंडर कॉमिक्स निकलोडियन मैगजीन में कई कॉमिक बुक लघु कथाएं प्रकाशित हुईं, और डार्क हॉज ने 15 जून 2011 को अवतार द लास्ट एबेंडर द लॉस्ट एडवेंचर्स इन और नई कॉमिक्स का एक संग्रह प्रकाशित किया सत्तानवे डार्क हॉज ने जीन यांग द्वारा एक ग्राफ़िक उपन्यास श्रृंखला प्रकाशित की जो सौ साल के युद्ध के बाद आंग की कहानी को जारी रखती है अवतार द लास्ट एब एंड द प्रोमिस दो में तीन खंडों में प्रकाशित फायर नेशन कॉलोनियों के भाग्य की पड़ताल करता है जो द लीजेंड ऑफ कोरा के यूनाइटेड रिपब्लिक बन गए इस श्रृंखला का दो शून्य एक छः दो शून्य एक सात में हिब्रू में अनुवाद किया गया था अट्ठानवें तीन कॉमिक पुस्तकों का दूसरा सेट अवतार द लास्ट एबैंड द सर्च जुको और अजुला और उनकी माँ उर्सा के भाग्य पर केंद्रित है निन्यानवे दूसरे से टा का दो शून्य एक आठ दो शून्य एक नौ में हिब्रू में अनुवाद किया गया था सौ तीसरा सेट अवतार द लास्ट एबैंड द रिफ्ट आंग रिपब्लिक सिटी के निर्माण और टॉप के उसके परिवार के साथ संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है एक सौ एक द रिफ्ट के बाद अवतार द लास्ट एब एंड स्मोक एंड शेडो फायर नेशन में फायर लॉर्ड जुको के खिलाफ एक प्रतिरोध बल के बारे में था जिसने मूल श्रृंखला के अंत में सिंहासन ग्रहण किया था एक सौ दो पाँचवां ग्राफिक उपन्यास अवतार द लास्ट एब एंड नॉर्थ एंड साउथ था जो स्मोक एंड शैडो की घटनाओं का अनुसरण करता है और कटारा और सोका के बारे में है जो अपनी मातृभूमि में विभिन्न परिवर्तनों को देखने के लिए जल जनजाति में लौटते हैं 103 अगले ग्राफिक उपन्यास का नाम इम्बिलेंस है और इसे अक्टूबर 2018 में जारी किया गया था श्रृंखला शराबी और गैर शराबी के बीच उभरते संघर्ष की पड़ताल करती है जो अगली कड़ी द लीजेंड ऑफ कोरा के पहले सीजन में संघर्ष का केंद्र बन जाती है पिछली पांच पुस्तकों के विपरीत यह फेथ एरिन हिक्स द्वारा लिखी गई थी 104 सौ प्रीक्वल उपन्यास श्रृंखला एफसीई द्वारा लिखित अवतार क्योशी पर केंद्रित दो भाग वाली युवा वयस्क उपन्यास श्रृंखला जुलाई 2019 में अब्राम्स चिल्ड्रन्स बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी क्योशी उपन्यासों की पहली पुस्तक अवतार द लास्ट एबेंडेड द राइज ऑफ क्योशी है 105 श्रृंखला का दूसरा भाग जिसका शीर्षक द शैडो ऑफ क्योशी है इक्कीस जुलाई दो को जारी किया गया था एक 106, वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित एक वीडियो गेम त्रयी जारी की गई है अवतार द लास्ट एयरबेंडर वीडियो गेम 10 अक्टूबर 2006 को जारी किया गया था 107 और अवतार द लास्ट एयरबेंडर द बर्निंग अर्थ 16 अक्टूबर 2007 को जारी किया गया था 108 अवतार द लास्ट एबेंडर इंटू द था तेरह अक्टूबर दो को जारी किया गया 109 अवतार लेजेंड्स ऑफ द एरेना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम एमएमओआरपीजी 15 सितंबर 2008 को निकलोडियन द्वारा जारी किया गया था खिलाड़ी अपना स्वयं का चर त्र बना सकते हैं और दुनिया भर के अन्य खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर सकते हैं 110 अवतार द लास्ट एब 2006 दो में टीएचक्यू का सबसे ज्यादा बिकने वाला निक्लोडियन गेम था और सोनी सीईए के सबसे महान हिट्स में से एक था 111 स्माइट में आंग और जुको क्रमशः मलिन और सुसेनो की खाल के रूप में दिखाई देते हैं 112 नेविगेशन गेम्स द्वारा एक टन आधारित रोल प्लेइंग गेम जिसका नाम अवतार जनरेशन है 2023 की शुरुआत में आईओएस और एंड्रॉयड के लिए जारी किया गया था 113 सितंबर 2023 में गेम में एंटरटेनमेंट ने अवतार द लास्ट एब एंडर क्वेस्ट फॉर बैलेस जारी किया जो पूरे शो की घटनाओं को शिथिल रूप से अनुकूलित करता है 114 अवतार द लास्ट एब एंडर के पात्र और स्थान कई निकलोडियन क्रॉसओवर गेम्स में भी दिखाए गए हैं जिनमें निकलोडियन कार्ट रेसेस दो ग्रांड प्रिक्स और तीन स्लाइम स्पीडवे और ऑल स्टार ब्रॉज श्रृंखला शामिल हैं 115. फिल्म रूपांतरण मुख्य लेख द लास्ट एबैंडर फिल्म श्रृंखला का पहला सीजन 2010 की लाइव एक्शन फिल्म द लास्ट एबैंडर का आधार था जिसे एम नाइट श्यामलिन द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था इसका इरादा फिल्मों की में से पहली फिल्म के रूप में था जिनमें से प्रत्येक तीन टेलीविजन सीजन में से एक पर आधारित होगी फिल्म को इसके लेखन अभिनय सफ़ेद कलाकारों और श्यामलन के निर्देशन के लिए सार्वभौमिक रूप से प्रतिबंधित किया गया था इसने इकतीसवें गोल्डन रास्बरी अवार्ड्स में रॉटेन टोमैटोज के साथ साथ पांच रेजीज पर पांच प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग अर्जित की जिसमें वर्स्ट पिक्चर 116 मिलियन वन हंड्रेड शामिल है और कुछ आलोचकों ने इसे अब तक की सबसे खराब फिल्म में से एक बताया 119 मिलियन वन हालांकि फिल्म में मूल रूप से टेलीविजन श्रृंखला का शीर्षक साझा किया गया था द लास्ट एबेंडर शीर्षक का उपयोग किया गया था क्योंकि निर्माताओं को डर था कि यह जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार के साथ भ्रमित हो जाएगा 122 सौ बाईस द लास्ट एबेंडर में नू रिंगर ने आंग की भूमिका निभाई है निकोला पेल्ट ने कटारा की भूमिका निभाई है जैक्सन राथबोन ने सोका की भूमिका निभाई है देव पटेल ने जुको की भूमिका निभाई है और शॉन टूब ने इरोह की भूमिका निभाई है 116. सो अगली कड़ी श्रृंखला मुख्य लेख द लेजेंड ऑफ कोर्रा द लीजेंड ऑफ कोर्रा अवतार द लास्ट एबेंडर की अगली कड़ी का प्रीमियर 14 अप्रैल 2012 को निक्लोडियन पर हुआ 123 इसे मूल श्रृंखला के निर्माता और निर्माता माइकल डांटे डिमाटिनो और ब्रांड कोनिट्स को द्वारा लिखा और निर्मित किया गया था 124 शुरुआत में शो का नाम अवतार लीजेंड ऑफ कोर्रा फिर द लास्ट एबेंडर लीजेंड ऑफ कोर्रा रखा गया इसकी घटनाएं अवतार द लास्ट एबेंडर के खत्म होने के 70 साल बाद घटित होती हैं 125 श्रृंखला का नायक कोर्रा है जो दक्षिणी जल जनजाति की सत्रह वर्षीय लड़की है जो आंग की मृत्यु के बाद अवतार का अवतार है एक लाइव एक्शन श्रृंखला रीमेक मुख्य लेख अवतार द लास्ट एब 2024 टीवी श्रृंखला नेटफ्लिक्स ने सितंबर 2018 में घोषणा की कि अवतार का एक पुनर्कल्पित लाइव एक्शन रीमेक 2019 में उत्पादन शुरू करना था श्रृंखला के मूल निर्माता डिमाटिनो और कोनिट्स को कार्यकारी निर्माता और श्रोता थे छह दोनों ने कहा कि उनका इरादा श्रृंखला को सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त गैर सफ़ेद कलाकारों के साथ अनुकूलित करने का था 126 ये घोषणा की गई थी कि जैरमी जकमैन जिन्होंने मूल शो के लिए संगीत तैयार किया था रीमेक के लिए संगीत देने के लिए भी लौटेंगे 127 सौ अगस्त 2020 को माइकल डांटे डिमाटिनो और ब्रान कोनिट्स को दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि उन्होंने रचनात्मक मतभेदों के कारण शो छोड़ दिया है 128 बिलियन 129 मिलियन वन फरवरी 2021 में एल्बर्ट किम को श्रोता के रूप में लाए जाने की सूचना मिली थी 132 उसी वर्ष अगस्त में ये बताया गया कि गॉर्डन कॉर्मियर कियावेंटियो तारबेल इयान ओसले और डलास लियू को क्रमशः आंग कटारा सोका और जुको की भूमिकाओं में लिया गया था एक सौ नवंबर को डेनियल डे दे किम जिन्होंने मूल श्रृंखला में जनरल फोम को आवाज़ दी थी को फायर लॉर्ड ओजाई के रूप में चुने जाने की सूचना मिली थी इसके दो सप्ताह बाद पॉल सन ह्यूंगली लिम के सीयू और केन लेव को उनकी भूमिका में लिया गया इरो ग्यात्सो और झाओ के रूप में संबंधित भूमिकाएं साथ ही खबर है कि वैंकूवर में उत्पादन शुरू हो गया था एक सौ दिसंबर में कास्टिंग की और भी खबरें आएं जिसमें एलिजाबेथ यू मारिया झांग यवोन चैपमैन केसी कैंप होरिनेक और टैमिलिन टोमिता को क्रमशः अजुला सुकी क्योशी कन्ना और युकारी के रूप में चुना गया जो बाद में एक मूल चरित्र थे 136 अवतार स्टूडियो 24 फरवरी 2021 को इक्कीस सीबीएस ने अवतार स्टूडियो की घोषणा की जो निकिलोडियन का एक नया डिवीजन है जो अवतार ब्रह्मांड में सेट एनिमेटेड श्रृंखला और फिल्मों को विकसित करने पर केंद्रित है जिसे निकिलोडियन की रैखिक और डिजिटल सेवाओं जोड़ थिएटर और अन्य तृतीय पक्ष प्लेटफार्मों के माध्यम से वितरित किया जाएगा इस प्रभाग का संचालन मूल श्रृंखला के निर्माता डिमाटिनो और कोनिट्स को द्वारा किया जाता है जो इसके सह मुख्य रचनात्मक अधिकारी हैं और निकलोडियन एनिमेशन स्टूडियो के अध्यक्ष रैमसे एन नाइटोकोरा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इससे ज़बरदस्त मूवी के बारे में आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रेटिंग के बारे में बात कर दी तो एक तरह से रेटिंग के बारे में मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन इसकी जो रेटिंग है एम बी की है जो कि बहुत ही गज़ब है और ओ डी राइट तो आप सभी को पता है नेटफ्लिक्स पर ही हमें देखने को मिली है तो इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी दे दी है वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाल दबा कर इसे सेट कर लीजिएगा आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में